इतना इंतजार, तुम तो ठंडी बर्फ हो रही हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी वो घर से निकलते वक्त अंदाजा नहीं था कि मौसम कितना सर्द है, तो स्वेटर नहीं रखा। मैं तुम्हारे लिए शॉल लेकर आती हूँ। उमर चाय पियोगे? नहीं थैंक यू, हम तो बस खड़े खड़े आपको सलाम करने आए थे। मेहमानों की तरह आते जाते हो अब तुम लोग, मैं शॉल ले। आई एम सॉरी यार, मुझे तो पता ही नहीं चला तुम सर्दी में खड़ी हुई वहां पे, अब बीमार मत हो जाना प्लीज। नहीं होती। ये लो, ये ओढ़ लो। अच्छा चलो, मैं ही चलूं। खुदाफिज अम्मी। अम्मी का फोन भी आ रहा है, मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूं। अच्छा बेटा खुदाफिज। जी खुदाफिज। अम्मी वो बात करनी थी आपसे। हाँ बताओ। वो आपकी दाई अम्मी से या मंसूर भाई से या किसी से भी बात हो तो ये मत कहिएगा कि रोशनी साथ आई थी। यही बात मैं तुमसे कहने वाली थी। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी सास को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है तो क्यों लटका के ले गई थी रोशनी को साथ? देखो, सास को पसंद नहीं आता कि बहू अपने मायके ज्यादा जाए या फिर बेटा ससुराल में ज्यादा घुले मिले, और यहाँ तो तुम अपनी सहेली को ले गई। पहली दफा लेके आई थी अम्मी। पहली और आखिरी दफा। जाओ घर से, इंतजार कर रहा हूँ मैं। खुदा हाफिज़। ये तो सब सर पे खड़े हुए हैं। उमर जरा ऊपर आओ, जरा बात करनी है तुमसे। अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई। वालेकुम अस्सलाम। तफ्तीश होगी अब, क्या करूं? पता नहीं मुझे खुद इतनी शर्मिंदगी हो रही है, मेरा झूठ भी पकड़ा गया, क्या सोच रही होंगे उमर? तुम्हें जरूरत क्या थी कहने की कि मैं बाहर से छोड़ के चला गया? तुम्हें और क्या कहती, मैंने प्लान थोड़ी बनाया था, सोचा थोड़ी था, और एकदम से वो दोनों सामने आ गए, मेरे जहन में नहीं आया। मुझे फोन कर रही थी, मैसेज तो कर रही थी कुछ तो। अच्छा अब तो जाओ ना यार, पहले तुम जाओ कमरे में। मूवी भी नहीं देख रही, पता नहीं कैसे लोग हैं। बस मैं खुद की नहीं बनती तो मैं क्या करूं? रोशनी, ये क्या कारनामा अंजाम दिया तूने? मैंने क्या किया है? कौन सा कारनामा? लड़के वालों का फोन आया था, रिश्ते से मना कर दिया उन्होंने, और मैं सब जानती हूँ, ये सारे तेरे काम है। ओ अच्छा, सो कर दिया मना उन्होंने, लेकिन अब हर बात का इल्जाम मुझे क्यों लगाती हैं? मुझे तो वैसे भी बहुत फजूल से लोग लग रहे थे, शुक्र अल्लाह का कि मेरा रिश्ता नहीं हुआ। वैसे मुझे समझ में नहीं आता है कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो मेरे नसीब में तेरी जैसी बेटी आई है। एक वो माहीन, ना खुद बसती है ना दूसरों को बसने देती है। अरे एक अच्छा रिश्ता आया था, उसे भी भगा दिया तूने। अम्मा रिश्ता हो या ट्रेन, एक आता है दूसरा जाता है, कहीं भी लिखवा ले। चल दफा हो, मनहूस। एक बात समझ ले, ये हर बात को जो तू मजाक में उड़ाती है ना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी अपनी जिंदगी मजाक बन जाए।